सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। गुड न्यूज ये है कि कोरोना वायरस जो है बच्चों को या यंग लोगों को इतना हानि नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में कि यंग लोग या बच्चों का सिस्टम इतना स्ट्रांग कैसे है और जहां पर बड़े लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं ये समझ के कि इम्यूनिटी होता क्या है। आई एम श्योर पिछले 5-6 महीने में आपने ये वर्ड बहुत सुना है, इम्यून। अगर कोरोना वायरस को हराना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। तो हम समझेंगे पहले इम्यूनिटी। एक सिंपल लैंग्वेज में इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का इंटरनल एक डिफेंस सिस्टम है, हमारे बॉडी का एक सुरक्षा कवच है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो जैसे ही बाहर से कोई एक्सटर्नल या बाहर से कोई भी चीज हमारे अंदर हमला करती है, जैसे वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया या कोई डिजीज हो गया या जर्म्स हो गया, तो हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है एक एक्टिवेट हो जाता है, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उससे लड़ने के लिए, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है मेजर लेवल पे दो टाइप की होती है, एक जिसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा जिसे कहते हैं अक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। तो पहले समझते हैं इनेट। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है ना, ये इम्यूनिटी हम पैदा होते हैं तब से हमारे साथ होती है, तो इनेट इम्यूनिटी को लेके ही हम पैदा होते हैं। और इनेट इम्यूनिटी का काम क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है, ये एक सुरक्षा कवच बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोरोना वायरस हमारे सेल में जा चला जाता है, तो जैसे ही बॉडी को पता चल गया कि बाहर से कोई हमला हुआ है, एक वायरस अंदर आया है, तो हमारा सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होता है या वो जाग जाता है। तो वो क्या करता है, वो पहले बाकी सारे सेल्स को उस टाइप के जैसे वो सेल को अटैक किया है वैसे बाकी सारे सेल को पहले प्रोटेक्ट कर लेता है, उनके उसके आजू बाजू में एक कवच बना देता है और जिससे वो प्रोटेक्ट कर लेता है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में एक सुरक्षा कवच बना देता है। जैसे अगर मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, मानो आपके बिल्डिंग में एक चोर घुस आता है, एक घर के अंदर चोर आ गया, तो जैसे ही घर के अंदर चोर आ गया बिल्डिंग को पता चला, तो जो इनेट इम्यूनिटी जो है ना वो बाकी सारे घर का दरवाजा बंद कर देता है या बाकी सारे घर को बाहर से सील कर देता है, समझ रहे हो आप, तो उसको बाकी सबको प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि वो चोर जो है या जो वायरस जो है बाकी सब घर पे हमला ना करे, एक घर पे हमला किया है उधर अटक जाए। तो जैसे ही, तो आप ये समझ गए कि इनेट इम्यूनिटी का काम है प्रोटेक्ट करना। और दूसरा काम क्या करता है, जैसे ही इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है, उसने बाकी सब सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर जो है वो दूसरा इम्यूनिटी जो है जिसे बोलते हैं अक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी, उसे बोलता है कि भाई अभी तेरा काम है इसे लड़ना है, इस वायरस को खत्म करना है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसके बाद ट्रिगर होता है, उसके बाद एक्टिवेट होता है और उसका काम क्या है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज मतलब उस चोर से, उस वायरस से लड़ने के लिए वो अपनी आर्मी तैयार करता है और फिर उस वायरस को मारता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगेन, इनेट इम्यूनिटी सिर्फ आपकी सुरक्षा करता है, डिफेंस बनाता है, एक दीवार खड़ी कर देता है। और अडैप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमला करता है, वो वायरस को मारता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो सिर्फ हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है और धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं, हम अडल्ट होते जाते हैं, तो हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ते रहती है क्योंकि हमारे एक्सटर्नल, हम अलग अलग डिजीज को एक्सपोज होते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, हम जब दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से, ये सारे जो हमारा इम्यून सिस्टम तभी भी एक्टिवेट होता है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम है मारना, एंटीबॉडीज तैयार करके वायरस को, इनेट इम्यूनिटी का काम है सिर्फ प्रोटेक्ट करना। अब बच्चे जो है, बच्चों में इनेट इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होता है या फिर मैं कहूंगा डोमिनेंट होता है। और इनेट इम्यूनिटी की अच्छी बात क्या है पता है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट होती है। तो जैसे ही वायरस आया इनेट इम्यूनिटी ने अपना काम चालू कर लिया, 0 से 4 घंटे के अंदर वो बाकी सारे सेल को प्रोटेक्ट कर लेता है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो लड़ने वाली है, उसे वो आर्मी को तैयार करने के लिए टाइम लगता है,
राइट, तो एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए टाइम लगता है, तो उसे कम से कम 3 से 4 दिन या कुछ कुछ लोगों के अपने अपने सिस्टम के हिसाब से 7-8 दिन भी लग जाते हैं, बट कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी को अपनी आर्मी तैयार करने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए। समझ गए आप? अब एक सिंपल एग्जांपल को समझिए, ये बच्चे लोग इससे लड़ क्यों पा रहे हैं? तो जैसे एक इमेजिन करो, जैसे ही चोर आया एक घर में घुस गया, इनेट इम्यूनिटी ने बाकी सारे घर बंद कर दिए। अब ये चोर जो है क्या करेगा? ये चोर वही घर के अंदर ट्रैप हो जाएगा, बंद हो रहेगा, या फिर बाहर हट जाएगा या मर जाएगा, वो बाकी सब जगह पे हमला नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही ये वायरस जो है, ये जैसे ही हमारे एक सेल में घुस जाता है, इनेट इम्यूनिटी ने बाकी सबको बंद कर दिया। अब ये वायरस जो है ना, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये वायरस को जो है ना, अगर उसको जीना है, उसको बढ़ना है, तो उसको एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, चौथे, हर सेल में ऐसा ग्रो करते रहना पड़ता है, तो ही वो वायरस सर्वाइव कर पाता है। और अगर हमने वही प्रोसेस को रोक दिया, तो इनेट इम्यूनिटी ने वही प्रोसेस को बंद कर दिया, तो वायरस एक ही सेल में पड़ा 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 अपनी मौत मर जाता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाता है, एक्सपैंड नहीं कर पाता है। समझ गए आप? अब अडल्ट में ये क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया में एक्सपोज होते जाते हैं, इन्फेक्शंस ले रहे हैं, वायरस, बाकी वायरसेस आ रहे हैं, डिजीजेस आ रहे हैं, तो हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो वायरस को मारता है, वो स्ट्रांग होते जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट हो जाता है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो अडल्ट में इतना डोमिनेंट नहीं होता, दबा हुआ रहता है। तो इनेट अडल्ट में जैसे ही वो वायरस आ गया अंदर, तो इनेट इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जैसे अपना अक्वायर्ड जो है वो काम करना चालू कर देता है। अब अक्वायर्ड को काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए, तो जो वायरस जो है ऑलरेडी घुस चुका है, वो 3 से 4 दिन में हमारे सिस्टम में फैलना चालू कर लेता है, बाकी सेल्स पे हमला करके बढ़ना और फैलना चालू करता है। उस सिचुएशन में अगर आप 3 से 4 दिन तक अगर आप सर्वाइव कर पाते हो, तो फिर हमारा इम्यूनिटी आता है और वो वायरस को मार देता है। लेकिन बहुत लोगों को उसी टाइम में हानि हो जाती है, बॉडी में बाकी नुकसान हो जाता है, जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन या आगे सीरियस बीमारियां हो जाती है, क्योंकि जो है ना अडल्ट लोगों में इनेट जो है ना वो दब चुका रहता है, होता है इनेट सिस्टम, लेकिन दबा हुआ रहता है, अक्वायर्ड जो है वो बहुत बड़ा हो गया रहता है, वो ज्यादा काम पे लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, अगर हमको हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम को कोरोना वायरस से आसानी से लड़ना है, तो हमें हमारा इनेट इम्यूनिटी को डोमिनेंट या उसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। अब उसे मजबूत बनाने के लिए साइंस ने बताया है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कुछ स्टेप्स है हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में फूड। फूड एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो फूड में क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, ये सारे विटामिन्स होते हैं, जिंक होता है, ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अगर इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो ये सारे विटामिन्स हमारे बॉडी में जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। तो फ्रूट्स या वेजिटेबल आप जितने ज़्यादा खा पाओ, उतना हमारे सिस्टम के लिए, हमारे इनेट इम्यूनिटी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और हो सके उतना पकाया हुआ खाना कम करें, राइट? तो अगर आप, अगर पॉसिबल है तो 50% आपका खाना जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल से भरे, और बाकी 50% रोटी, चावल और दाल, ये सबसे भरे। बट 50% रॉ फ्रूट या वेजिटेबल से आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए आपके डेली डाइट में, स्पेशली वॉलनट्स। वॉलनट में, वॉलनट या अखरोट, अखरोट में ओमेगा 3 होता है, जो काफ़ी अच्छा होता है हमारे इनेट इम्यूनिटी के लिए। और खाने में आप ऐड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, या मेडिटेरेनियन जिसको डाइट बोलते हैं, ऑलिव ऑयल हमारे इनेट इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रांग कर सकता है। तो ये सारे फूड पे आप ध्यान दीजिए, हमारे नेचुरल फूड्स अवेलेबल है उस पे ध्यान दीजिए, फ्रूट्स अवेलेबल है, दिन में आप हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। तो एक ये तरीका हो गया फूड। दूसरा, हमारे इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और जैसे बताया मैंने पिछले वीडियो में बताया था विटामिन डी का इम्पोर्टेंस, राइट? विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पूरे सिस्टम में
सबसे ज़्यादा असरदार विटामिन डी रहता है ये वायरस से लड़ने के लिए। तो हो सके उतना आप खुद को दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा जो है खुद को सन में एक्सपोज करिए। अपने बॉडी के स्किन को जितना आप सन में एक्सपोज कर सकते हैं नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप विटामिन डी के टैबलेट्स या विटामिन डी के शॉट्स ले सकते हैं। तो सन का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साइंस में एक और ये प्रूव किया गया है कि आप हो सके उतना नेचुरल जगह पे, जमीन पे, मिट्टी में, धरती से, ट्रीज से कनेक्टेड रहे, उससे हमारी इनेट इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। एक और चीज़ ये बताई गई थी, एक्सरसाइज स्पेशली योगा, अगर आप हर दिन थोड़ा टाइम योगा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, उससे आपकी इम्यूनिटी, बिकॉज एक इंटरनली जो केमिकल्स रिलीज होते हैं योगा एक्सरसाइज में, उससे हमारी इनेट इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और बात, मेक श्योर आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आप इनाफ पानी पिए, बिकॉज ये सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये पानी के थ्रू हमारे सेल्स में या हमारे बॉडी में मूव करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पानी हमारे बॉडी में काफ़ी ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप हाइड्रेटेड रहे। प्रोटीन वाला डाइट भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो दिन में एटलीस्ट एक कटोरी मिक्स दाल आप लिए, पकी हुई दाल, अच्छी स्पाइसी दाल बनाएं और उसको इंजॉय करें, वो आपका प्रोटीन लेवल बढ़ाएगा। दही आप खा सकते हो दिन में एटलीस्ट एक वाटी दही, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इनाफ रेस्ट, जितना आप रेस्ट लोगे उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जितनी आपकी नींद हो वो स्ट्रेस फ्री नींद होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, ये इनेट इम्यूनिटी दब कैसे गया है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाता है, हमारा जो दूसरा वाला इम्यूनिटी, जो लड़ने वाला इम्यूनिटी है, अक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी, वो बढ़ते जाता है। तो हमारा ये स्ट्रेस वाला लाइफ हो गया, या इतना हेक्टिक लाइफ है, हम खाने पीने का, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से हमारा इनेट इम्यूनिटी ना वो दब गया है। तो इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाए, इनेट इम्यूनिटी को मजबूत बनाए, क्योंकि इनेट और अडैप्टिव दोनों को लड़ना है। ऐसा नहीं है कि अडैप्टिव खराब है, अडैप्टिव जरूरी है, क्योंकि इनेट जो है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, अडैप्टिव जो है वो मारता है। तो ये दोनों का साथ में लड़ना जरूरी है। अडल्ट्स में ये दोनों साथ में लड़ने के लिए हमको ये पूरी हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए। बच्चों में क्या है, इनेट बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या है, वायरस पड़े पड़े ही उधर ही खत्म हो जाता है, मर जाता है, ज्यादा फैल नहीं पाता है। लेकिन अडल्ट्स में इनेट को मजबूत बनाइए और अडैप्टिव को भी, जिससे वो वायरस को मार सके। तो प्लीज आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, एंड वायरस जो है ये कभी ना कभी खत्म होना ही है, खत्म होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब हम खुद को बचा सकते हैं, खुद के सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाए और अच्छी तरह से जॉयफुल जिंदगी जिए। थैंक यू वेरी मच।